आपने प्रेम विवाह किया उस लड़के से? हाँ। मतलब कैसे प्रेम हुआ उस लड़का से? नहीं, पहले बात करता था। पहले आपसे बात करता था? हाँ। उसके बाद फिर मतलब यहाँ से दिल्ली गए थे। आप और वो लड़का अंकुश कुमार दोनों? हाँ। आप दोनों दिल्ली चले गए? नहीं, वो दिल्ली आए थे। अंकुश कुमार दिल्ली आए थे, मतलब हाँ। आप भी दिल्ली में ही रह रहे थे? हाँ। तो अंकुश कुमार बात करते करते दिल्ली पहुंच गया? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर वहाँ पर आया तो मैं काम करके आ रही थी तो वहाँ से वो ले गया था। आपको भगा करके ले गया था? हाँ। अंकुश कुमार आपको भगा करके ले गया था, उसके बाद क्या किया उसने? उसने फिर शादी करने में मुझे मतलब घर जाना है, उसने फिर मेरे बहन का फोन आया था, मेरे बड़े वाले बहन के। तो फिर उसने बोला था कि मतलब जहाँ भी मेरे बहन के लिए घर आओ। मतलब पति की दूसरी शादी की तैयारी सुन पत्नी ने दिया सिंगिया थाने में आवेदन और डायल किया 112 लगाई मदद की गुहार। समस्तीपुर जिला के सिंगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लिल्हौल पंचायत के सलहा गांव निवासी अंकुश पासवान को कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के मिर्ची निवासी निशा कुमारी से प्यार हो जाता है और वह प्रेम विवाह दिल्ली के काली मंदिर में कर लेता है। 8-9 महीने उस लड़की के साथ बिताने के बाद वह लड़का अपने गांव चला आता है जहां उसके मम्मी पापा उसकी शादी की दूसरी तैयारी कर रहे होते हैं। जब निशा कुमारी को इसकी खबर होती है तो वह दिल्ली से अपने गांव आता है और सिंगिया थाने में इस शादी को रोकने के लिए आवेदन भी देती है और 112 डायल कर मदद की भी गुहार लगाती है। जब अंकुश पासवान के घर पर पुलिस पहुंचती है तो वह सभी फरार रहते हैं। तब उस लड़के के चाचा जो सफेद गंजी और ब्राउन कलर के हाफ पैंट पहने हुए हैं वह लड़की वालों और पुलिस को क्या कहते हैं ये सुनिए। कल अंकुश पासवान की शादी होने वाली है, हम प्रशासन से और आम जनता से और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यही गुहार करेंगे किसी तरह इस शादी को रुकवाया जाए और इस निशा कुमारी को जिससे वह लड़का बहला फुसला करके ब्याह किया है अब इसको धोखा देने के चक्कर में है किसी तरह इससे उसका पुनः रिश्ता जुड़ाया जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। क्या सरपंच साहब फिर आप पुनः कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रशासन से फिर अनुरोध करना चाहूंगा यदि आप यदि वीडियो देखे होंगे या आपको किसी माध्यम से वीडियो मिला होगा तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले उस शादी को आप रोकिए। मतलब वो आपको आपके गांव से भगा करके मतलब आप जो दिल्ली रह रहे थे तो वो गांव से गया दिल्ली और आपसे हाँ। भला फुसला करके किसी तरह शादी कर लिया? हाँ। कहाँ शादी किया हुआ? मंदिर में। कौन से मंदिर में? काली जी की, काली माता का मंदिर में। हाँ। उसके बाद कितने दिन आप उसके साथ रहे? 5-6 महीने। 5-6 महीना। हाँ। वो भागा तो आपको जानकारी कैसे मिला जो यह लड़का हमारे पास से भाग गया है? वो बोल के आए थे कि मैं 2-3 दिन के लिए गांव जा रही हूँ। गांव जा रही हूँ। हाँ। उसके बाद? फिर वो नहीं आए। नहीं आए। तब फिर 2-3 दिन के महीने के बाद आए। 2-3 महीने के बाद? हाँ। आपको सूचना मिला? हाँ। वो आए थे वहाँ पर, वह लड़का आया था दिल्ली। हाँ। फिर वो चले गए थे। फिर वो चला आया गाँव? फिर उसके बाद बात नहीं हो रहा था। बात आपसे मतलब वो जब दिल्ली आया पुनः गांव आ गया तो आपसे बात नहीं हो रही? नहीं। मोबाइल मतलब उसका मोबाइल बात हो रही थी आपसे कि स्विच ऑफ था मोबाइल? यह बताइए। बंद था मोबाइल, बंद था। हाँ। आपको क्या लगता है अभी वह लड़का मतलब आप जो गांव आए हैं किस समस्या को लेकर आए हैं? वो शादी करने है, मतलब आपको जानकारी मिला लड़का शादी करने वाला है? हाँ। कहाँ? दोकली में। दोकली में? हाँ। मतलब दोकली में वह किसी दूसरी लड़की से शादी करने वाला है? हाँ। जो आपको भाला फुसला करके आपसे ब्याह किया था? हाँ। देखिए दोस्तों, मैं एक तो बता दूं आपको, प्रेम विवाह करना कहीं गलत नहीं है लेकिन कहीं कहीं जो है यहाँ पे धोखा देखने को मिलता है। कुछ ऐसे मतलब हम आपको बता दे कि समाज के गंदे लोग जो इस संबंध को खराब कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो प्रेम विवाह को इस तरह बदनाम मत कीजिए। और यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लड़की यह निशा कुमारी की, यह निशा कुमारी के पिताजी हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद पासवान। घर आपका? मिर्ची। मिर्ची, क्या मामला है यह आपकी लड़की की जो शादी का मामला है, क्या है यह? यह लोग देखिए, ये लोग आपस में शादी कर लिया। आपकी बचिया? हाँ, मेरी बचिया। रो अच्छा, आपकी बचिया जब शादी की थी उस समय में कितना उम्र था इनका? 16 साल के आसपास। हाँ, 16 आपको साल। आपको जानकारी थी जो यह शादी करने वाला है? मुझे कुछ नहीं पता था। मतलब किसी को कुछ नहीं पता था? यह और वह लड़का चुपचाप ब्याह कर लिया जाकर कहीं मंदिर में।
मतलब दोनों का आपस में प्रेम था, दोनों शादी कर लिया अपना, शादी कर लिया। आप लोगों को कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद खोजा गया तो मिला। अच्छा, तो आपस ला गया तो मैं, मतलब मिला तो आप लोग घर लाए? हाँ, लाए। तो बोले चलो ये तुम लोग मंदिर में क्या सब हटाओ बात, कब नहीं हम गांव चलते हैं, आप अपना माँ माँ से मुझे बात कराओ, अब बैसाख में गांव जा रहे हैं, जैसे होता है वैसे मैंने शादी कर देंगे, जिस तरह से रीति रिवाज होता उस तरह हम कर देंगे। तो बोला नहीं हम ये मरते हो बात को किया। कौन किया? लड़का? लड़का किया। बाद में जाके तो बोला चलो, और आदमी से बोला चलो कर ही लिया तो क्या करे, और आप उसी बात मतलब हो गया। आप इस शब्द को छुपा लिए जाते शादी हो गया तो क्या दिक्कत है, दोनों का घर हाँ बस जाए, क्योंकि इस कहानी में कहीं आरोप करते हैं तो कुछ दोनों कर ले, इसका डर था। तो बोला मतलब चलो हाँ, आप आरोप लगाते हैं हाँ, लड़की के पक्ष में हो सकता है लड़का और लड़की आत्महत्या कर ले, आपको हत्या का डर हो गया जो किसी हो ना हो, हम आरोप लगाएंगे तो हमारी बचिया हो या हमारी जमाई हो वो आत्महत्या कर लेगा। और बोल रहा था ऐसा, बोल रहा था। अच्छा अच्छा, ऐसा बोल रहा था। बोलो ठीक है, तो मैंने पूछा देख बाबू तू कर लिया ठीक अच्छी बात है, तो माँ बाप तो नहीं रखेगा, रखेगा तू ही ना, तो अपना कमा को खिलाओ रहो दोनों आदमी एकदम। हाँ, तो बोला ठीक है, तेरा नहीं लगा बेचारा काम भी नहीं करता था जिस तरह था अपना। हाँ, अभी क्या मामला है? अभी मामला ये गांव आया, गांव के बाद ये कभी पूछता है, फोन भी नहीं करता है, स्विच ऑफ। अच्छा। अब फिर कल ही मुझे पता चला कि दूसरा इनको शादी हो रहा है। किसको शादी हो रहा है, नाम बताइएगा? अंकुश पासवान को। अंकुश पासवान कौन? अंकुश पासवान भिखारी पासवान का लड़का है। भिखारी पासवान का लड़का। और आपके बचिया का? निशा कुमारी। निशा कुमारी का कौन है? हम पापा इनका। लड़का कौन है? लड़का इनका पति है। पति है वो? हाँ, दूसरी शादी करने वाला? दूसरी शादी कर रहे हो? अच्छा। हाँ, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे न्याय मिले बच्चे के साथ। अच्छा, जैसे कि आप जितना भी वीडियो, या वीडियो को जितना हमारे साथी देख रहे हो या प्रशासनिक अधिकारी देख रहे हो, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? हम उनको कहना इतना ही चाहेंगे हमारे बच्चिया का न्याय मिले, किसी तरह न्याय मिले, उनका घर बस जाए। चलिए।